प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका शिवम वर्मा। आइए आपको प्रयागराज मेजा से बड़ी खबर बता दें कि जिला अधिकारी व एसएसपी ने मेजा थाने का किया औचक निरीक्षण। पत्रकारों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। 12 थाना क्षेत्र के क्राइम बढ़ाने की बात को लेकर बोले, जल्द ही होगी अपराधियों की कार्रवाई। जितने भी अभी हाल में अपराधी घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे मेरा समाज उनकी थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है, उन सभी पर हमारी विशेष निगाह बनी हुई है और सारे क्षेत्र एक एक करके फॉलोअर्स हो रहे हैं, डिस्पोजल हो रहे हैं। जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ हैं उस पर हमने अपनी निगाह बना रखी है और शीघ्र ही ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनकी रुख करवाई। अभी अवैध कब्जा है, अभी उसे केंद्र है वहाँ पे सर, वहाँ पे क्या कहेंगे सर? क्षेत्राधिकारी मेजा के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसमें बहुचर्चित हत्याकांड बम ब्लास्ट मेजा रोड शामिल है और बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री सौरभ सोनी खुलासा को लेकर जिस हिसाब से तत्परता दिखाई गई और उसके बाद जो है एडीजी महोदय के द्वारा इनकी पीठ भी थपथपाई गई। क्या कहना सर? ठीक है, हमारे निगाह है सभी लोगों के साथ। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी अभी मेजा पर नेतृत्व अधिकारी द्वारा पत्रकार की खबर पूछने पर सर, तो अपन जो विभाग पत्रकारों से करते हैं सर, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये निर्देश सभी लोगों को दिए हुए हैं कि सभी के साथ शुभ व्यवहार किया जाना है। मेरे लोग इस समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसके लिए हम लगातार लोगों को निर्देश दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि कैसे व्यवहार करें, विशेषकर पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कर सके। आशा है कि निर्देश भी सभी को जारी है और इस पर हम सभी को की काउंसलिंग कर रहे हैं। मेजा थाने की संस्था के प्रति आप क्या राय है? कार्रवाइयाँ हुई हैं, अभी तक जो कार्रवाई जिला विद्यालय कुछ कमियाँ हैं उनको ध्यान में इंगित किया गया है और सब लोगों को